नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 अप्रैल, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में बिजली नहीं होगी महंगी। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर इतनी फीसदी हुई वोटिंग। मैट्रिक परीक्षा रिजल्ट में सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय का दिखा जलवा। 1 अप्रैल से इन नियमों में हो सकते हैं बदलाव। IPL 2023 के पहले मैच में गुजरात टाइटंस से चेन्नई को मिली हार। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। SSC CGL 2023 का अधिसूचना आज होगी जारी। अगर आप भी SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से आज यानी कि 1 अप्रैल 2023 को मंत्रालयों और विभागों में स्नातक योग्यता वाले रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। इस परीक्षा का आयोजन करने वाले कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक अधिसूचना जारी होने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए आखिरी तारीख 1 मई निर्धारित है। इसके अतिरिक्त आयोग ने पहले चरण में आयोजित होने वाले टीयर 1 की तिथियां 14 से 27 जुलाई 2023 की भी घोषणा बुधवार 29 मार्च को कर दी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में बिजली नहीं होगी महंगी। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबर चल रही थी कि राज्य में बिजली बिल महंगी हो सकती है, लेकिन इस खबर पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। दरअसल अब यह साफ हो गया है कि राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली नहीं मिलेगी। बता दें कि बीते दिन बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह साफ कर दिया गया है कि सूबे में बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी का असर उपभोक्ताओं की जेब पर नहीं पड़ेगा, यानी कि बिहार के उपभोक्ता के लिए बिजली दर में बढ़ोतरी नहीं होगी। दरअसल ऐसा न हो इसके लिए सरकार की ओर से 13,114 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। बता दें कि सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी से बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 1 अप्रैल से इन नियमों में हो सकते हैं बदलाव। हर महीने की शुरुआत किसी महीने के अंत के साथ होती है, लेकिन जब नया महीना होता है तो उसमें लोगों की उम्मीदें होती हैं कि इस महीने तो कुछ अच्छा जरूर होगा। ऐसे में अप्रैल महीने की शुरुआत पर अगर हम एक नजर डालें तो 1 अप्रैल 2023 से UPI लेन देन महंगा हो सकता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी बयान की माने तो UPI से मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि PPI फीस लागू करने को कहा है, जिसमें 2,000 रुपए से ज्यादा ट्रांसफर करने पर टैक्स देना होगा। अगर आप वॉलेट से UPI करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। बाकी लेन देन में छूट रखा गया है। एक वित्तीय साल में 5 लाख से अधिक का प्रीमियम वाली इंश्योरेंस स्कीम रखते हैं तो आपको टैक्स देना होगा। 1 अप्रैल से टोल टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में सड़क यात्रा महंगी होने वाली है। 1 अप्रैल से गाड़ी खरीदना महंगा हो सकता है। साथ ही 1 अप्रैल से फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद में बदला गया है, हालांकि इसमें टैक्स नहीं लिया जाएगा। बिहार बोर्ड 10वीं टॉपर्स को मिलेंगे ये इनाम। बीते दिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार सरकार की ओर से मैट्रिक परीक्षा में पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर आने वालों को 1 लाख रुपए, 1 लैपटॉप और 1 किंडल ई-बुक रीडर दिया जाएगा। वहीं राज्य के दूसरे टॉपर को 75,000 रुपए, 1 लैपटॉप और 1 किंडल ई-बुक रीडर, जबकि राज्य में तीसरे स्थान पर आने वाले को 50,000 रुपए, 1 लैपटॉप और 1 किंडल ई-बुक रीडर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार बिहार बोर्ड का टॉपर 489 अंकों के साथ शेखपुरा के इस्लामिया हाई स्कूल के मोहम्मद रुमान बने। बता दें कि रुमान वर्तमान में NDA की भी तैयारी कर रहे हैं। वे आगे जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं। बिहार में खिलाड़ियों के लिए हो रहा यह कुछ खास। बिहार में खिलाड़ियों के लिए सही वातावरण बन सके और उन्हें प्रशिक्षण मिल सके और सही जगह सही लोग मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से राज्य के सभी जिला मुख्यालय में पटना के कंकड़बाग में स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर के तर्ज पर आउटडोर खेल परिसर यानी कि स्टेडियम विकसित किया जा रहा है, जहां आओ खेलो सह गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना के तहत लगभग 14 खेलों का ट्रेनिंग दिया जाएगा और साथ ही इन स्टेडियमों में स्टेट लेवल तक के खेलों का आयोजन भी किया जाएगा। बता दें कि जिन जिलों में स्टेडियम विकसित किया जा रहा है उनमें मुख्य रूप से तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर तथा मगध प्रमंडल शामिल हैं। इसके साथ ही अब तक राज्य के 534 प्रखंडों में से 221 प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण किया जा चुका है और बाकी बचे प्रखंडों में जल्द ही इस काम को पूरा कर लिया जाएगा।
विधान परिषद की 5 सीटों पर इतनी फीसदी हुई वोटिंग। बीते दिन बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। वहीं अब वोटों की गिनती 5 अप्रैल को की जाएगी। बता दें कि निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बीते दिन हुए मतदान में गया स्नातक सीट पर 41.25% मतदान हुआ, तो वहीं सारण स्नातक सीट पर 33.25%, गया टीचर के सीट पर 78.50%, सारण शिक्षक सीट पर 68.70% और कोसी शिक्षक क्षेत्र की सीट पर 80.24% मतदान हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस चुनाव में 48 उम्मीदवारों के द्वारा अपना किस्मत आजमाया गया है। मालूम हो कि जिन सीटों पर के लिए चुनाव करवाए गए हैं उन सीटों पर बैठे सदस्यों का कार्यकाल 8 मई 2023 को समाप्त हो जाएगा। वहीं एक सीट सारण शिक्षक क्षेत्र की सीट MLC केदारनाथ पांडे के निधन के बाद से खाली है। अप्रैल में बैंक इतने दिनों के लिए रहेंगे बंद। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बता दें कि अप्रैल महीने में रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार को मिलाकर कुल 16 दिनों की छुट्टियां रहेगी। मालूम हो कि छुट्टियों की यह लिस्ट आप RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहीं अगर अप्रैल महीने में बिहार में बैंक बंद होने की बात करें तो बिहार में रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार को मिलाकर कुल 9 दिनों की छुट्टी रहेगी, जिसमें 2 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 14 अप्रैल, 16 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल और 30 अप्रैल शामिल है, जिस दिन बिहार में मौजूद बैंक बंद रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि RBI के द्वारा विभिन्न राज्यों और आयोजनों के आधार पर बैंक हॉलीडे लिस्ट तैयार की जाती है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे मां पूरन देवी मंदिर के बारे में। मां पूरन देवी मंदिर पूर्णिया का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहां पर आकर मां पूरन के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। पूरन माता महाकाली का ही रूप है। यहां पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध है। यहां पर आप अगर अपने वाहन से आते हैं तो पार्किंग के लिए बहुत बड़ा स्पेस है। यहां पर धर्मशाला बनी हुई है जहां पर सभी लोग रुक सकते हैं। यह धर्मशाला सार्वजनिक है। यहां पर मंदिर के कुछ पीछे आपको एक तालाब देखने के लिए मिलता है। यह तालाब बहुत सुंदर है। तालाब में बहुत सारे कमल के फूल लगे हुए हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर आप सच्चे मन से माँ से विनती करते हैं तो माँ आपकी इच्छा जरूर पूरी करती है। यहाँ पर आकर अच्छा लगता है और शांति मिलती है। यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको माँ दुर्गा और शिव भगवान जी के दर्शन करने के लिए भी मिलते हैं। बिहार के गन्ना मूल्य दर में होगी बढ़ोतरी। बिहार के वैसे किसान जो गन्ना की खेती करते हैं उनके लिए खुशखबरी है। दरअसल बहुत जल्द ही राज्य में गन्ना के मूल्य दर में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री आलोक मेहता के द्वारा एक बैठक में बिहार सुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, सदस्य, चीनी मिलों के प्रबंध निदेशक व मालिकों को निर्देशित किया गया है कि वे गन्ना के मूल्य दर में बढ़ोतरी को लेकर विचार करें और विभाग को इस बारे में सूचित करें। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो गन्ने की खेती में बढ़ोतरी होगी और साथ ही गन्ने की खेती करने वाले किसानों को भी आर्थिक मदद मिलेगी। वहीं बैठक में बैठे बिहार सुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि नए वेज बोर्ड के आने से चीनी उत्पादन में भी लागत बढ़ेगी, लिहाजा गन्ना मूल्य में इस वर्ष इजाफे का कोई औचित्य नहीं है। मैट्रिक परीक्षा रिजल्ट में सिमुलतला आवासीय विद्यालय का दिखा जलवा। एक बार फिर से सिमुलतला आवासीय विद्यालय ने अपना जलवा दिखा दिया है। दरअसल बीते दिन बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी किया गया है। बता दें कि ऐसे में बिहार बोर्ड की ओर से 3 दर्जन से अधिक परीक्षार्थियों को सत्यापन के लिए बुलाया गया था, जिसमें सिमुलतला आवासीय विद्यालय के भी परीक्षार्थी शामिल थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सत्यापन के लिए बुलाए गए परीक्षार्थियों में 10 परीक्षार्थी ऐसे थे जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय के थे, यानी कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय के ये 10 छात्रों ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। बता दें कि टॉपर्स की सूची में जिन 10 परीक्षार्थियों के नाम सिमुलतला आवासीय विद्यालय से हैं, उनमें शुभम कुमार, सुधांशु शेखर, पंखुड़ी कुमारी, हिमांशु कुमार, भव्या राज, अर्पिता कुमारी, रोशन कुमार, प्रभात कुमार, आस्था कुमारी एवं सुषमा कुमारी के नाम शामिल हैं। राज्य में अब जैविक खेती से जहर मुक्त अनाज का किसान करेंगे उत्पादन। जैविक खेती का विस्तार अब बिहार के सभी जिलों में किया जाएगा। बता दें कि इसकी योजना कृषि विभाग द्वारा राज्य सरकार के निर्देश पर बनाई गई है, जहां जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट इकाई के लिए अनुदान सहित कई उपाय अपनाए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार इसे 4th रोड मैप में भी शामिल किया जा रहा है। स्कीम स्क्रीनिंग समिति द्वारा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में योजना क्रियान्वयन के प्रस्ताव पर अनुशंसा कर दी गई है। बताते चले कि 14,39,00,000 रुपए इस योजना के स्वीकृति के साथ ही योजना के लिए जारी किए जा चुके। इस योजना को उद्देश्य विषमुक्त अन्न का उत्पादन करना है। वहीं विषमुक्त अनाज के उत्पादन के साथ ही किसानों की आमदनी को बढ़ाना भी है। एक क्लिक
क्लिक से देखें डिजिटल नक्शे पर बिहार के वार्ड और गांव। अब आप एक क्लिक से अपने जिले, प्रखंड, पंचायत, गांव और वार्ड की सीमा के साथ पूरी जानकारी देख सकते हैं। दरअसल गृह विभाग की ओर से बिहार का डिजिटल नक्शा तैयार कर लिया गया है, जो कि भौगोलिक सूचना प्रणाली मैपिंग के जरिए तैयार की गई है। बता दें कि इस डिजिटल नक्शे की मदद से आप अपने जिले में अस्पताल, थाना, अग्निशमन केंद्र, कोर्ट समेत सरकारी संस्थान को भी देख सकते हैं। मालूम हो कि इस GIS नक्शे को बिहार पुलिस की नई वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इसके अलावा आप इससे यह भी देख सकते हैं कि आपके शहर या प्रखंड में कौन सा इलाका अपराध या दुर्घटना संभावित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस डिजिटल नक्शे पर कई बटन हैं, जिन पर क्लिक कर अलग अलग जानकारियां हासिल की जा सकती है। इसमें 5 विभागों से जुड़ी संस्थानों की जानकारी भी उपलब्ध है। ग्रामीण अस्पतालों में मिलेगी 5,000 अतिरिक्त बेड की सुविधा। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके, इसके लिए लगातार बिहार सरकार के द्वारा कोशिशें की जा रही है। इसी कड़ी में अब बहुत जल्द ही राज्य के सभी प्रखंड स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बदला जा रहा है, जिसके तहत विभाग द्वारा इस वर्ष 173 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उत्क्रमित करते हुए 30-30 बेड का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे कि राज्य में इस वर्ष 5,190 अतिरिक्त बेड उपलब्ध हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके अलावा भी स्वास्थ्य से जुड़े कई कामों में सुधार किया जा रहा है, जो कि बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा शुरू की गई मिशन 60 के तहत पूरा किया जा रहा है। अब बहुत जल्द मिशन 60-2 की भी शुरुआत की जा रही है, जिसमें मेडिकल कॉलेजों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। बिहार में समय पर परीक्षा और टाइम पर रिजल्ट को लेकर गवर्नर ने बुलाई VC मीटिंग। राज्य में उच्च शिक्षा के रोड मैप पर चर्चा करने के लिए 3 अप्रैल को बिहार के राज्यपाल सह चांसलर राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर के द्वारा राजभवन में एक बैठक बुलाई गई है। बता दें कि इस बैठक में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल होंगे। बता दें कि इससे पहले की बैठक में उन्होंने कहा था कि वो कुलपतियों से समयबद्ध कार्य योजना की मांग करेंगे, ताकि शैक्षणिक सत्र पटरी पर आ सके और परीक्षा कैलेंडर के पेचीदा मुद्दों से निपटने और परिसर में शैक्षणिक माहौल भला हो सके। मालूम हो कि राज्यपाल के प्रमुख सचिव रॉबर्ट एल चुंगतू ने पत्र में कहा है कि चांसलर ने 2022-23 के बजटीय आवंटन और वेतन पेंशन के खिलाफ निकासी से संबंधित कार्य का निर्वहन करने के लिए कार्यवाहक रजिस्ट्रारों को वित्तीय शक्ति दी है, जिसकी जानकारी 8 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस सप्ताह के शुरुआत में दी जा चुकी है। बता दें कि 3 अप्रैल को होने वाली बैठक में समय पर परीक्षा और टाइम पर रिजल्ट को लेकर चर्चा की जाएगी। देश के उत्तर, मध्य और दक्षिण पूर्व के जिलों में बारिश के आसार। बिहार में बारिश एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले 2 दिनों से प्रदेश में बारिश जैसे हालात है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है और कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 48 घंटे में प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। बता दें कि प्रदेश में आंधी पानी, ओलावृष्टि के साथ ही ठंड का गिरने की भी संभावना जताई गई है। ऐसे में विभाग ने लोगों को सावधान रहने को कहा है। बता दें कि प्रदेश के उत्तर, मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व हिस्से में 1 या 2 स्थानों पर बिजली के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने इस दौरान किसानों को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया है। सूबे के सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की पढ़ाई अब 12वीं तक होगी सुनिश्चित। प्लस टू की पढ़ाई अब सूबे के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शुरू होने वाली है। बता दें कि इस योजना पर शिक्षा विभाग की तरफ से काम को शुरू कर दिया गया है। मालूम हो कि अब तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 8वीं तक की ही पढ़ाई हो रही थी। कुछ ही विद्यालय ऐसे थे जहां 12वीं तक की पढ़ाई हो रही थी, लेकिन अब सभी विद्यालयों में 12वीं तक की पढ़ाई शुरू होगी। लगभग सूबे से 60,000 लड़कियां इन विद्यालयों में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं, लेकिन जब विद्यालय 12वीं तक हो जाएंगे तो इनकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बताते चले कि बिहार में कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की संख्या अभी 535 है, जिनमें 12वीं तक के संचालित होने वाले विद्यालयों की संख्या 141 है। टोल प्लाजा से गुजरना पड़ेगा महंगा। 1 अप्रैल 2023 यानी कि आज से टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन मालिकों के जेब ढीले होने वाले हैं। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल से पूरे देश में 7% तक टोल टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि इन सब में राहत की बात यह है कि सड़क के हिसाब से टैक्स की दरें अलग अलग निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत कार, जीप, वैन और अन्य छोटे वाहन पर 125 की जगह 130, हल्के व्यावसायिक वाहन और मिनी बस के लिए 190 की जगह 200 रुपए, 6 चक्के वाले वाहन के लिए 380 की जगह 400 रुपए, 6 से ज्यादा चक्के वाले वाहन के लिए 575 की जगह 605 रुपए और स्थानीय लोगों के लिए मासिक आय 315 रुपए की जगह 330 हो गए हैं। खादी मूल हुज्जाज के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख जारी।
वैसे व्यक्ति जो हज यात्रियों की खिदमत करने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। दरअसल अब सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा हज यात्रियों की खिदमत करने वाले लोगों यानी कि खादिमुल हुज्जाज के लिए आवेदन करने की तिथि को जारी कर दिया गया है। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 अप्रैल तक निर्धारित की गई है, यानी कि अब खादिमुल हुज्जाज के लिए 10 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है। बता दें कि इसमें सबसे खास बात यह है कि इस बार से खादिमुल हुज्जाज के लिए महिलाएं भी जा सकेंगी, लेकिन इनके लिए भी वही योग्यता है जो पुरुषों के लिए होती है। बिहार में पीएचईडी ने शुरू किया सोशल ऑडिट। बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जहां किसी कारण से जलापूर्ति योजना पहुंचाने में कठिनाई होती है, ऐसे में उन इलाकों में चापाकल लगाया जाता है। वहीं ऐसे ही पुराने चापाकलों की खराब होने की सूचना मिलने के बाद पीएचईडी के द्वारा इन चापाकलों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान अगर चापाकलों की मरम्मत की जरूरत पड़ती है तो पीएचईडी के द्वारा चापाकलों का मरम्मत किया जा रहा है। वहीं कुछ चापाकलों को हटाकर वहां नया चापाकल भी लगाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही इन चापाकलों को लेकर विभाग की ओर से ऑनलाइन मॉड्यूल को भी विकसित किया गया है, जिसके तहत चापाकलों की जियो टैगिंग मरम्मत संबंधी सभी जानकारी संबंधित कार्यपालक द्वारा दी जाती है, जिस विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। इसके साथ ही वैसे चापाकल जिनके मरम्मत किए जाएंगे उन्हें एक यूनिक आईडी भी दिया जाएगा, जिसके बाद राशि की भुगतान भी आसानी से की जा सकेगी। भतीजी को गोद में लेकर तेज प्रताप ने कहा ये। लालू परिवार में नए मेहमान के आने के बाद पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बना हुआ है। वहीं बच्ची के चाचा यानी कि तेज प्रताप यादव के भी खुशी का ठिकाना नहीं है। इसी खुशी को जाहिर करते हुए उन्होंने ट्विटर पर एक फोटो शेयर किया है। बता दें कि शेयर किए गए इस तस्वीर में तेज प्रताप यादव अपनी भतीजी को गोद में लिए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उस दौरान उनके चेहरे पर मुस्कान भी देखने को मिल रही है, जिसे देखकर यह साफ पता चलता है कि वह कितने खुश है। तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने लिखा है, नन्ही सी परी से मिलकर आज जो खुशी और सुकून की अनुभूति हुई है उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पूरे परिवार का नाम रोशन करो, सदा खुश रहो, यही ईश्वर से प्रार्थना है मेरी। चौधरी ने सीएम नीतीश से समझौता करने पर कही बड़ी बात। बीते दिन बिहार के नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी नवादा पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में अब महागठबंधन में कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हां यह जरूर है कि अभी 7 पार्टियां मिलकर सरकार चला रही है, जिसमें 2 पार्टियां ऐसी भी है जिनमें से एक का तो पूरा बिहार में सुफरा साफ होने वाला है, तो वहीं दूसरी पार्टी का कुछ वोट बचा है। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार के नेतृत्व पर किसी को भरोसा नहीं है, अब तो उनकी पार्टी के लोग ही उन पर भरोसा नहीं करते, अब तो उनका जनमत भी नहीं बचा है। जिसका खुद का डीएनए खराब है वह दूसरे का पॉलिटिकल डीएनए क्या तय करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक मैं बिहार का प्रदेश अध्यक्ष रहूंगा तब तक नीतीश कुमार से कोई समझौता नहीं होगा। दिल्ली से पटना लौटने पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीते दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पापा बनने के बाद दिल्ली से पटना वापस लौटे और पटना लौटते ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिजली बिल बढ़ोतरी को लेकर ऐसा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश ने अच्छी बात कही कि वन नेशन वन टैरिफ होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार जैसे गरीब राज्य को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, लेकिन यहां केवल कूद कूद कर केंद्रीय मंत्री आते हैं। कितने लोग यहां से मंत्री बने एमपी बने, लेकिन बिहार के बारे में कोई नहीं सोचता और बस सौतेला व्यवहार किया जाता है। आईपीएल 2023 के पहले मैच में गुजरात टाइटंस से चेन्नई को मिली हार। बीते दिन आईपीएल के 16वें सीजन में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच खेला गया, जिसमें शुभमन गिल के शानदार अर्धशतक के बदौलत गुजरात टाइटंस ने आईपीएल के 16वें सीजन के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 178 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम ने 19.2 ओवर में 5 विकेट पर 182 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों टीमों के बीच बीते दिन यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। भारत
भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल 1839 में शुरू किया गया था। कोलकाता में बनी संग्रहालय की नई इमारत को जनता के लिए 1878 में खोला गया। सन 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी और एक प्रांत घोषित किया गया। सन 1930 में देश में विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र 14 और लड़कों की 18 वर्ष की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 1935 से काम करना शुरू किया। इसके लिए अंग्रेजों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 कानून बनाया था। ओडिशा को बिहार से अलग करके 1936 में एक नया राज्य बनाया गया। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर क्षेत्र में शुरू हुआ। भारत के कॉर्बेट नेशनल पार्क में चिताओं को बचाने के लिए 1973 में टाइगर बचाओ अभियान चलाया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में प्रारंभ हुई। भारतीय क्रिकेटर मुरली विजय का 1984 में जन्म हुआ। आज के दिन को ही अप्रैल फूल्स डे और ओडिशा डे के रूप में मनाया जाता है। में आज हम बात करेंगे बिजली बिलों को अपडेट करने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बिजली बिलों को अपडेट करने के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक फर्जी पत्र में दावा किया गया है कि उपभोक्ताओं को कनेक्शन कटने से बचाने के लिए प्रदान किए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपने बिजली बिलों को अपडेट करने की आवश्यकता है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा पत्र जारी नहीं किया गया है। अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी साझा करते समय सतर्क रहें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि रंजन, प्रिंस कुमार, अजीत कुमार, बिट्टू कुमार राज, लाला राय, पंकज कुमार दास, रवि कुमार राम, शंकर मुखिया, उमेश ऋषिदेव, मोटू रंगीला, जहांगीर आलम, दीपू गुप्ता, सुशील कुमार, मृत्युंजय कुमार, नुन्नू गोलू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप कभी अप्रैल फूल बने हैं या आपने कभी किसी को बनाया है? तो आप अपना एक्सपीरियंस हमें हमारी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।